नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ प्राकृतिक खेती के मूल घटक। आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती बेस्ड है 5-6 दवाइयों पर, जिसमें कीटनाशक आते हैं, फंजीसाइड के लिए लस्सी का प्रयोग किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर है लस्सी, और अभी एक खेत में हम इसकी ड्रिंचिंग कर चुके हैं। इसको मैं डाल रहा हूँ, और ये क्या काम करेगी, ये फंगस का काम, जैसे कि कहते हैं कि शिमला मिर्च में जो कि नेमाटोड आता है उसके लिए बहुत अच्छा कार्य लस्सी करती है। अब इसको वेंचुरी के माध्यम से जड़ों तक पहुँचाना है, तो अब ये सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा और यहाँ से इसको ऑन किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, आप देखें कि किस तरीके से ये, अब सामने खेत दिखाएं, इसमें ये बूंद बूंद जा रही है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी फंगस को रोकने का। और जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें इसका डायरेक्ट स्प्रे छिड़काव किया जाता है, अभी ड्रिंचिंग के माध्यम से ही, क्योंकि हमने रूट को स्वस्थ बनाना है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं साथ में इसी खेत में स्प्रे भी करने जा रहा हूँ, और इसमें कीटनाशक यानी ये जो दवाइयाँ हैं सुभाष पालेकर विधि से मैं बनाता हूँ। आप देख रहे हैं अग्नि अस्त्र है, इसको 300 ml मात्रा में इसमें डालने जा रहा हूँ स्प्रे पंप में। सबसे बढ़िया रहता है कि अगर आप ज़रा सा शैम्पू भी इसमें डाल दें, दो इसके कारण हैं। एक तो आपके स्प्रे पंप में ये फंसेगा नहीं मटेरियल जो भी आप डाल रहे हैं, और दूसरा शैम्पू के डालने से इसमें एक अलग सी शाइन पत्तों में देखने को मिलती है, ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था। स्प्रे हम जब भी करें तो उसका एक फॉग बनाएं, जैसे अभी फॉग बन रहा है तो वैसे ही हमने स्प्रे करनी है। अभी आपको स्प्रे करके भी दिखाऊंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये प्राकृतिक खेती को शुरू करें, और जो इच्छुक लोग हैं जो रेडीमेड दवाइयां चाहते हैं, तो यहाँ पे नीमास्त्र जो कि अमेरिकन सुंडी को, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करती है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नीमास्त्र ये बहुत अच्छा कार्य करती है, और ये तीसरी तरफ है संजीवनी यानी खट्टी लस्सी से तैयार एक ब्लैक रॉट ब्लैक स्पॉट अच्छा करती है, और ये अग्नि अस्त्र ये माइट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी मई जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है तो माइट आने की संभावना 100% होती है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जड़ों में खट्टी लस्सी को डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ अभी मैं पंप को उठा के जा रहा हूँ अपने खेत में, और दूर से अगर इस तरह का फॉग जो मैंने आपसे बात कह रहा था वो बने तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है, ऐसा सुभाष पालेकर जी कहते हैं, और उनकी विधि को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये आपको जो बूंद गिरती दिखती आ रही है, यहाँ पर एक एक बूंद, यहाँ पर भी इसकी जड़ में जा रही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्राकृतिक खेती पे आएँ। इससे क्या होगा कि कोई भी कीट इससे मरेगा नहीं बल्कि इससे भागेगा। इसमें जो बदबू है अग्नि अस्त्र जो मैं कर रहा हूँ काफ़ी तेज़ है, और
और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। और यहाँ पर फैमिली के सदस्य जब इधर पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन देते हुए